माँ बेरी वाले की सिद्धि और साधना। हम लोग काफी वीडियो चेक करते हैं भाई कि हम माँ बेरी वाले की सिद्धि कैसे करे, हम माँ बेरी वाले की साधना कैसे करे, माँ का अगर हमसे नाराज है तो हम इनको कैसे मना सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ जानकारी आपको लेनी होगी, कुछ बातों का आपको पता होना चाहिए कि मैं माँ बेरी वाले को किस तरीके से मना सकता हूँ, किस तरीके से साधना कर सकता हूँ, माँ बेरी वाले के साथ कौन कौन सी शक्तियां चलती है और माँ बेरी वाले किनका रूप है। आपको ये सब जब तक ये बातें ना पता होगी ना, जब तक आप माँ बेरी वाले की साधना नहीं कर सकते। माँ बेरी वाली जोड़े में चलने वाली शक्ति है भाई जी, ये माता शीतला के साथ जोड़े में चलती है शक्ति। मैं इसके पीछे की सारी कहानी भी आपको बताऊंगा, आपको साधना का तरीका भी समझाऊंगा और आपको पूरी जानकारी आपको देके जाऊंगा। ये एक वैष्णो शक्ति है, जिस घर की कुलदेवी माँ बेरी वाली है उस घर में तामसिक भोग का परहेज रहता है, तामसिक भोग का सेवन नहीं होता, वहां लहसुन का और प्याज का बिल्कुल परहेज रहता है। पर आज के समय हम कई बार गलतियां कर देते हैं कि हम माँ बेरी वाली को तो पूजा कर ही रहे हैं, फिर हम जाते भाई गुड़गांव या शीतला माता पे, वहां पे हम मुर्गा मच्छी या मीट मच्छी चढ़ा के आ जाते हैं किसी भगत के कहने पे, और वो लोग कभी भी ठीक नहीं हो पाते अपनी जिंदगी में जो इस चीज का सेवन ना करते हुए भी और फिर भोग दे के आते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या वजह, क्या नहीं, वो सारी मैं आज आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। सिद्धि भी बताऊंगा, साधना भी बताऊंगा और आपको साधना करने का तरीका भी बताऊंगा। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका प्यारा विकास दहिया दिल्ली दरबार से। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आज आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बॉक्स में भाई जय माँ बेरी वाली के लिख के जरूर जाना, और हाँ साथ में अगर आप बेल आइकन जरूर दबाओगे तो जब जब हम लाइव आएंगे तो लाइव में हमसे जुड़कर आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। समस्या कैसे भी क्यों ना हो, भूत प्रेत जिंद मसान को बंधन क्रिया बंधन व्यापार बंधन किसी भी तरह की दिक्कत क्यों ना हो, आप हमसे लाइव में जुड़कर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो। दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो। दरबार निराला सारे जग ते प्यारा, सारे भूत प्रेत होवे दूर, बालाजी ऐसी कृपा कर दे जीते जी। आप लोगों ने खाटू श्याम जी का नाम जरूर सुना होगा, क्या आपको पता खाटू श्याम जी की कुल देवी कौन है? भीम का नाम आपने सुना होगा महाभारत काल में। आपको पता है भीम की कुल देवी ही माता भीमनेश्वरी थी, इसलिए इनका नाम माता भीमनेश्वरी पड़ा। जब महाभारत का समय था, युद्ध की तैयारी हो रही थी, तो कृष्ण भगवान जी के द्वारा कहने पर भीम को कहा गया कि आपका अब युद्ध स्टार्ट होने वाला है, युद्ध स्टार्ट होने से पहले आप अपनी कुलदेवी की प्रार्थना कीजिए और कुलदेवी से आशीर्वाद लीजिए, कुलदेवी को युद्ध भूमि में लेके आइए, आपकी विजय पक्की होगी। तो कृष्ण जी की बात मान के भीम माता पाकिस्तान में जाते हैं, हिंगलाज पर्वत पे माता से प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी आप मेरे साथ चलिए, मैं हमारा युद्ध है, सच्चाई का युद्ध है एक, उसमें हमारा साथ दीजिए। तो माता रानी भीम की बात मान गई और भीम से एक वचन ले लेती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, एक मूर्ति के रूप में चलूंगी, पर मैं मेरे को तू जहां भी रख देगा ना, जहां भी मेरे को उतार देगा मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगी। भाई भीम ने माता की बातें मान ली, भाई भीम ने जैसे ही माता की बातें मानी तो भीम वहां से लेके चलने लग गया हिंगलाज से माँ बेरी वाली को। लेके आते आते जैसे ही बेरी गांव में पधारे, बेरी गांव में जैसे ही उस हुआ तो आपको पता ही भाई मर्द है या कोई माई है, मेरी बहन है, किसी को है तो लद्दू शंका भाई सभी को जाती है, जैसे टॉयलेट बाथरूम पेशाब सबको होती है भाई। तो वैसे ही भीम को भी अनुभव हुआ कि भाई अब मुझे थोड़ा फ्रेश हो लेना चाहिए, मुझे बाथरूम वगैरह में चले जाना चाहिए। उसको अपनी शर्त का उसका ज्ञान नहीं रहा, वो अपनी शर्त को भूल गया और उसने भीम को वहीं पे भीम ने माता रानी को वहीं पे रख दिया भाई जमीन के ऊपर। और वो जैसे ही अपना काम वगैरह करके आया और अपना आगू करके आया तो माँ को दोबारा देर लेने लग गया। तो माँ ने जब भी उसको अपनी कसम याद दिलाई कि तूने मेरे को कसम का क्या दी थी, अब कसम देने पर भीम को कसम याद आ गई तो भीम ने माता रानी को वहीं पर स्थापित कर दिया, एक छोटे से स्थान पे वहां स्थापित कर दिया, जिससे भाई माँ बेरी गांव में स्थापित हुई। माँ बेरी जो बेरी गांव था तो माँ का नाम पड़ा बेरी, बेरी वाली माता। और वैसे माता को माता भीमनेश्वरी भी कहा जाता है। आप पाकिस्तान की तरफ चले जाओगे तो हिंगलाज माता भी माता को कहा जाता है। माता के नाम अनेकों है पर माता बेरी वाली रूप किसका है, कभी आपने सोचा है, कभी आपने जाना, कभी समझा है? अब मैं आपको सारी कहानी यहां से बताता हूं। माँ बेरी वाली खुद माँ पार्वती का रूप है, खुद माँ पार्वती का रूप है, जो भाई पाकिस्तान के अंदर एक राक्षस का वध करने के लिए माता रानी प्रकट हुई थी और वहां से आप लोगों के सामने भीम की आगे की कहानी आपको बताई है भाई कि भीम वहां से लेके आया माँ को, किस तरीके स्थापित हुई बेरी में, सारी चीज हुई। हिंगलाज पर्वत पे पहले स्टार्टिंग में माई रानी थी। कई लोग आज भी जिनका मंदिर माँ बेरी वाली की कुल देवी है वो अपने कुल देवी के दर्शन करने के लिए हिंगलाज पर्वत पे भी जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी माँ बेरी वाली के मंदिर है भाई जी, हिंगलाज माता के मंदिर है। क्या हो गया, आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं क्या नहीं, अब मेरी बात को आप समझोगे ना जब भी आपको कोशिश समझ आएगी। हिंगलाज पर्वत पे माँ बेरी वाली खुद दुर्गा अंबे और काली के रूप में स्थापित है, माँ दुर्गा अंबे काली के रूप में स्थापित है
हिंगलाज पर्वत पे, वहां से माँ बेरी वाली आई, बेरी में स्थापित हो गई और एक सात्विक रूप में स्थापित है भाई जी महारानी। यहाँ पे ना तो कोई बलि प्रथा है कि भाई माँ को बलि देनी होगी, यहाँ पे बलि के रूप में नारियल चढ़ाए जाते हैं माँ को, एक सात्विक तरीके से माँ को मनाया जाता है। कई लोगों भाई माँ को गुलगुले का भोग लगाते हैं, कोई पूड़े का भोग लगाता है, कई लोग हलवे का भी भोग लगाते हैं, सब्जी पूरी का माँ का भोग लगता है। माँ बेरी वाली का जो दिन है वो अष्टमी का भाई जी, नवरात्रों की अष्टमी पे जिनकी कुल देवी माँ बेरी वाली है उनके व्रत जो खुलते हैं भाई नवरात्रों में, वो अष्टमी वाले दिन खुलते हैं भाई। अब मैं आपको माँ बेरी वाली की सिद्धि भी बताऊंगा, साधना भी बताऊंगा, समझना पूरी बात को और समझने की कोशिश करना क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। जब भी आपको एक एक चीज बारीकी से समझ आ सकती है, जब भी आप पकड़ सकते हो भाई। माँ बेरी वाली जिनकी कुल देवी है, सबसे बड़ी गलती वो कहां पे करते हैं? वो लोग गलती करते हैं भाई जी, वो अगर कुल देवी माता बेरी वाली है तो भाई वो गलती करते हैं और किसी अन्य देवी पे जाके वो तामसिक भोग चढ़ा देते हैं या फिर बलि दे देते हैं, सारी चीज दे देते हैं, जिससे उनकी कुल देवी माँ बेरी वाली नाराज हो जाती है और उनको संकट से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, माँ बेरी वाली एक ऐसी शक्ति है जो खुद माँ शीतला के जोड़े में चलती है। आपने कई बार देखा होगा भाई किसी के घर में माँ बेरी वाली के साथ साथ शीतला माता भी दुखती है, माँ शीतला भी दुखती है और माँ शीतला का इनके साथ मसानी रूप चलता है भाई जी, जो चुगानन रूप है वो रूप इनके साथ चलता है। आपने कई बार सोचा कि कभी आपने सोचा है कि माँ बेरी वाली एक मंदिर से दूसरे मंदिर क्यों जाती है? मेरी कहानी सुनना पहले, समझना मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जब भी आपको समझ आएगा। एक बार चोरों ने भाई जी माँ की मूर्ति को चोरी करने का सोचा, तो जैसी चोरी करके वो भागने लगे मंदिर से, तो भाई उन्होंने चौराहा पार किया, चौराहा पार करते ही उनको क्या हुआ भाई, माँ बेरी वाली ने हुक्म दिया माता शीतला को सुगानन रूप को कि ये चोरी करके जा रहे हैं, और वो माँ की मूर्ति को जैसे ही चोरी करके जाने लगे, वो थोड़ी दूर तक ही पहुंचे थे, वैसे ही वो आंखों से अंधे हो गए जहां पे माता रानी का दूसरा मंदिर है। आपको पता है अंदर वाला जो मंदिर है वो पहले स्थापित था, जो बाहर वाला मंदिर है वो बाद में बना भाई, माँ का अंदर वाला मंदिर प्राचीन मंदिर है भाई, और वो बाहर के उसने जैसे बाहर के मंदिर तक पहुंचे, पहुंचते ही सारी चीज होते ही भाई वो अंधे हो गए थे, सारी चीज का हो गया था। अब अंधा हो गया, सारी चीज का हो गया भाई। अब वो अंधे कैसे हुए भाई, इस चीज के पीछे कहानी आपको मैं बताता हूं, क्योंकि माँ बेरी वाली ने आदेश दिया था माता मसानी को, जो चौक की रानी कहलाई जाती है, और महाभारत काल के समय से ही ये मंदिर स्थापित है भाई जी, माँ बेरी वाला जो गिद्दारी जी ने बनवाया था भाई जी, जो वहां के राजा होते थे बेरी के, उन्होंने बनवाया था गिद्दारी जी ने ये मंदिर, तो उस समय से ही ये मंदिर स्थापित है भाई। आपको बता दो माँ बेरी वाली के, आप कभी जाना, कभी आप चेक करना जिनकी कुल देवी माँ बेरी वाली है, माँ बेरी वाली एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाती है और बीच में भाई चौराहे वाली माता मसानी बैठी हुई है, गुड़गांव वाली शीतला माता मसानी। अब आप बोलोगे भाई वो तो चौराहा इसलिए बैठी हुई है, नहीं भाई वो प्राचीन समय से बैठी हुई है बेरी वाली माता शीतला। वहां पे माता बेरी वाली ने आशीर्वाद दिया था कि मेरे साथ अब आप भी चलोगे, आप भी दुखोगे। आपको एक बात बताता हूँ भाई, जो लोग माँ बेरी वाली की साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, सबसे पहले जब उनके शरीर में सवारी आती है तो ऑटोमेटिक उनको माता चौगानन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आपने कई घरों में देखा होगा भाई, हमारे घर में तो माँ बेरी वाली भी दुखती है, हमारी कुल देवी तो माँ बेरी वाली, पर हम धोख मारने गुड़गांव भी जाते हैं, शीतला माता पीछे भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कार्य होते हैं ना, दो शक्तियां एक साथ चलने लग जाती है, दो शक्तियां एक साथ चलने लग जाती है तो भाई माता रानी के आशीर्वाद भी उसी तरीके से मिलते हैं। जात हमारी लगती है, अपने कभी भी जात लगाने के लिए जाते हो, जहां शादी के जोड़े की जात हो गई या बच्चा होता बाल उतारने के लिए जाते हैं, वो हमारे बाल बेरी उतरेंगे और फिर हम माँ शीतला पे भी जाते हैं भाई, या हम पहले माँ शीतला के दर्शन करके आएंगे फिर हम माँ बेरी वाले के दर्शन करेंगे। ये वरदान मिला हुआ था माँ बेरी वाले की तरफ से माँ शीतला को, क्योंकि उन्होंने जब वो चोर भागने लगे ना, चौक की रानी थी तो वो सारे चौक जितने थे वे सारे के सारे अंधे हो गए थे भाई, तो इसलिए माँ के दो मंदिर बने। अब इनकी साधना की बात कर लेते हैं, इनकी साधना किस तरीके से कर सकते हैं आपको मैं बताता हूँ। अगर आप इनकी साधना करना चाहते हो माँ बेरी वाले की, तो आपको भाई जी बाल ब्रह्मचारी नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में आप इनकी साधना कीजिए, नौ दिन के नवरात्रे, अष्टमी पे आपका नवरात्र पूर्ण हो जाएंगे, पर आपको नवमी को करना, जब आपको साधना करनी होती है लास्ट वाला जो नवरात्रा होता है नवमी का, वो आपको भैरव जी के नाम का इनको अर्पण करना होता है, क्योंकि माँ की कोई भी सिद्धि कोई भी साधना है वो बिना भैरव के पूर्ण नहीं होती भाई जी। तो भाई अब आप मेरी बात सुनना पूरी, नौ के नौ दिन आपको दरवाजे पे तो जोत लगानी है, दरवाजे के ऊपर जोत लगानी है, जो आपका मेन दरवाजा अपनी माँ बेरी वाली के नाम से। इनकी साधना जिनकी कुल देवी है ना माँ बेरी वाली, उनके लिए माँ हरदम हाजिर रहती है, आपको खाली माँ को मनाना है, रिझाना है, ना कोई मंत्र जाप करना ना कुछ करना, आपको खाली माँ को रिझाना है, आपको आराम से माँ की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि आपकी माँ, अगर आप अपने माँ के चरणों में जाते हो तो माँ मना करेगी नहीं, और कुल की देवी तो एक ऐसी शक्ति होती है, जब आप इस दुनिया में जन्म लेते हो ना
जितना दर्द आपकी माँ को होता है ना पेट से जब आपको निकालती है, सारी चीज करती है जब आपका जन्म होता है, उतना ही दर्द हमारी कुल देवी महसूस करती है, उतना ही दर्द। तो माँ ने वो दर्द महसूस किया तो कुल की देवी आपकी माँ होगी। इसलिए तो कहते हैं ना कि कुल की देवी को जिसने पूज लिया उसको मिल गया सब भगवान। कुल के देवता को जिसने पूज लिया उसको मिल गए सब भगवान। पितरों को जिसने पूज लिया उसके घर में है भगवान, कहा जाता है ना भाई। ये सारी चीजें क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे कुल के जो देवता ना सबसे पहले हमारे साथ वही चलते हैं, वही हमारा साथ हाथ पकड़ के चलते हैं, वही हमें सिद्धियां दिलाते हैं, वही हमें शक्तियों का अनुभव कराते हैं, वही हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं, वही हमें हर शक्तियों का एहसास करवाते हैं। पर आज लोग हम लोग भटक गए हैं अपने देवताओं को छोड़ के। हम पहले अलग देवता की सिद्धि करते, साधना करते, हम सफलता नहीं मिलती और हम भ्रमित रहते हैं पूरी जिंदगी। तो पूरा आसान है माँ को मनाना। माँ अपने बच्चों के लिए हरदम हाजिर रहती है। आप कितना भी लड़ लो, कितना भी आप मत जाओ, कितना पर माँ पे एक बार मत्था टेक देते हो ना, माँ तो अपने बच्चों के लिए हाजिर रहती है। किसी दुख को आपके ऊपर नहीं आने देगी माई रानी। माँ तो वो है, अगर माँ को कुछ चाहिए होगा ना आपको सपने में आभास करा देगी, बेटा मुझे तो तुझसे ये चाहिए। आप दो माँ क्यों, आप अपनी माँ को दोगे तो माँ आपको कभी भी। एक बात हम लोग कहते भाई मैं तो माँ पे भंडारे कराया, कई लोग कहते मैं तो माँ पे भंडारे कराया, मैंने भंडारे बोल रखा था, माई रानी मेरे जब भी नहीं सुनती, मैं तो यो कराया मैं तो जब भी नहीं सुनती। भाई ये गलती आपकी है। माँ कभी भी किसी बच्चे का उधार नहीं रखती कि आप सोचो कि माँ रानी उधार रखती है, प्रेशर रखती है, नहीं। बाद में समझाऊंगा इन बातों को लाइव के अंदर, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक है सिद्धि और साधना का। आपको अगर माँ बेरी वाली की साधना करनी है तो दरवाजे के ऊपर आपको दीपक लगाना शुरू करना होगा। माँ बेरी वाली का घी का दीपक हो या तिल का तेल का दीपक हो, उसके अंदर दो लोग माँ बेरी वाली के नाम से आपको डेली जलानी है। भाई जी नवरात्रों में डेली जलानी है। माँ बेरी वाली का साथ में सूट रखना है, साथ में माता चौगानन का सूट रखना काले कलर का। इसमें दो सूट चलेंगे क्योंकि साथ में जोड़े में चलती है। भाई जी वरदान मिला हुआ है माँ बेरी वाली की तरफ से माता मसानी को कि आप हरदम मेरे साथ में चलोगे। तो माँ बेरी वाली और माता चौगानन दोनों शक्तियाँ साथ में चलती है। अब काला सूट भी आपको रखना और माँ बेरी वाली का भी सूट आपको रखना, लाल और एक काला, ये दो सूट आपको रखने। दोनों सूट रखने के बाद आपको मैं बताता हूँ, दोनों सूट आपको रखने के बाद अब आपको करना क्या है। आपको भाई जी एक नारियल में अर्जी बांधनी है नवरात्रों में, पहले नवरात्रों में एक लाल कलर के नारियल के अंदर अर्जी बांधनी है। उसके अंदर 10 रुपए रख देने और वो नारियल को भाई अपने पूजा के कलश पे रखना है। उसके अंदर 10 रुपए रख के अपनी अर्जी बांध के नारियल के अंदर चुन्नी लपेट के और उसको नारियल को नवरात्रों में जैसे हम कलश स्थापित करते हैं उस नारियल को रखना भाई। उस नारियल के दौरान आपको हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़े फूल, थोड़े चावल, चावल व्हाइट कलर के ना हो, नवरात्रों में आपके लाल कलर का सिंदूर वगैरह मिला लेना, उसमें लाल कलर के चावल, सफेद कलर के चावल ना हो, लाल कलर के चावल कर लेना। अब आपको हाथ में 10 रुपए रखते हुए माता बेरी वाली का आराधना करने, माँ बेरी वाली मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, नवरात्रे कर रहा हूँ, आपके 9 दिन के नवरात्रे कर रहा हूँ, मुझे इसका फल देना और मेरे घर में आके विराजमान होना, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे सपने में आके बताना और अपने होने का अनुमान करवाना, एहसास करवाना। इतना कहते हुए वो जो आपने संकल्प लिया था वो माँ बेरी वाली के चरणों में आपको छोड़ देना भाई जी। आपके घर में माँ बेरी वाली की तस्वीर होगी तो छोड़ देना। आपको सारी सिद्धि का स्टार्ट करनी है आपको। अब आपको करना क्या, पहले दिन आप नवरात्रों के व्रती हो, आपका 9 दिन के व्रत है, आपके आसपास में कोई चौगानन माता का मंदिर है या कोई स्थान है वहां पे जाके डेली आपको 5 पताशे 2 लोगों का भोग दे के आना और माता मसानी से प्रार्थना करनी है, मेरी माई रानी मेरी कुल की देवी मुझसे नाराज है, कृपा करके उनका आशीर्वाद मुझे दिलाइए, मेरे घर में जो अगर बंदिश है कुछ भी है वो रास्ते खोलिए और अपना आशीर्वाद हमें बनाइए, माँ बेरी वाली का आशीर्वाद हमें बनाइए। माता चौगानन को 5 पताशे 2 लोगों का भोग देना, सुबह शाम आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना, और अब तो भाई माँ बेरी वाली की चालीसा है उसका भी आप पाठ कर सकते हो, और अपनी ज्योतबत्ती सुबह शाम की करनी है, और हरदम अपने हर हर महादेव का भी नाम आपको जपना है क्योंकि माँ बेरी वाली माँ पार्वती का रूप है भाई जी, स्वयं माँ पार्वती का रूप है। और जिस घर में भोलेनाथ की पूजा होती है, हर हर महादेव की पूजा होती है, उस घर में भाई माँ पार्वती खुश होकर रहती है और खुश होकर चलती भी है भाई जी। तो माँ बेरी वाली हरदम महादेव के साथ रहती है और माँ चौगानन के साथ रहती है भाई, माता मसानी के साथ रहती है। तो माँ बेरी वाली को बता रहे हो, और ये भाई शुद्ध शाकाहारी शक्ति है, कोई ऐसी तामसिक इन पे भोग नहीं लगता। और अगर हम बात करें माता शीतला की, जब माता शीतला बेरी वाली के जोड़े में आ जाती है तो स्वयं माँ बेरी वाली माँ शीतला जो आप माता चौगानन कहते हैं वो भी सात्विक रूप में ही चलती है। हम लोग कई बार गलती ये करते हैं कि हमारी कुल देवी माँ बेरी वाली और माँ शीतला में जाके अंडे चढ़ा देते हैं, हम मुर्गा चढ़ा देते हैं, हम कोई बलि दे देते हैं, या हमें अलग अलग भ्रम के तरीके से हो जाते हैं। इस चक्कर में हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं क्योंकि हमारी खुद वैष्णो रूप शक्ति है, और ये वैष्णो रूप एक ऐसा रूप है जो समय आने पर शमशान काली भी बन सकती है भाई जी, जो सात्विक रूप से चलेगी। आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है, जिनकी कुल देवी माँ बेरी वाली है ना उनके घर में भाई सात्विक रूप में ही माँ शमशान काली विराजमान होती है भाई। पर उसके लिए आपको मनाना होगा,
उस तरीके की इस लेवल पे आपको जाना होगा और उस तरीके के कार्य करने होंगे। जो लोग माँ बेरी वाली माँ को बताता हूँ, जिन लोगों का कार्य माँ शमशान काली भोग तामसिक भोग पे करती है, अगर आपकी कुलदेवी माँ बेरी वाली है, वही कार्य आपके घर में भाई सात्विक रूप से होते हैं, सात्विक रूप से कार्य होते हैं। मैं आपको इसके ऊपर किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से आपको बताऊंगा भी, पर मैं माँ बेरी वाली की बता दूं भाई, माँ बेरी वाली प्योर वेजिटेरियन, जिस पे भाई लहसुन प्याज का भी परहेज चलता है, एक ऐसी शक्ति है। जो बालाजी के नियम है ना, वे सेम माँ बेरी वाली के नियम है, लहसुन प्याज दारू मीट मच्छी इनके नहीं चलते भाई जी। कई लोग अपनी कुलदेवी पे दारू भी चढ़ा देते हैं तो यहाँ पे नहीं चलता, कई लोग प्याज भी चढ़ा देते नहीं चलता, यहाँ मीठे का भोग चलता है। आप गुलगुले बना दो, पूड़े बना दो, ठीक है, हलवा बना लो, सब्जी पूरी बना लो, जो इनकी सब्जी भी बनती है वो भी बिना लहसुन प्याज की बनती है भाई। तो अगर ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आपको चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी कुल देवी का नाम बताइए, आपकी कुल देवी के बारे में पूरी पूरी जानकारी मैं लेके आऊँगा, वीडियो के अंदर बता के जाऊँगा, समझा के जाऊँगा। और भाई कॉमेंट बॉक्स में जितने भी ना माँ बेरी वाली के जयकारों से भर दो भाई, क्योंकि आपकी कुल देवी अगर माँ बेरी वाली है तो जयकारा रुकना नहीं चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। और आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी और लेके आऊँगा माँ बेरी वाली के लिए, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव। मिलते एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।